का एरोप्लेन ग्रैंड ओपनिंग आज 13 मार्च को हो चुके हैं। अद्भुत यहाँ पर कैसा लग रहा है अभी बच्चा आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। जिसका प्राइस है 300 रुपीज पर पर्सन, वो अगर बोर्डिंग पास लेके आप यहाँ पे आते हैं फिर फूड आप कंज्यूम कीजिए, जो बिल होगा उसमें से आपका 300 रुपीज रिडीम हो जाएगा और एंट्री फी जीरो हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आपका वीक का? बहुत अच्छा हूँ, मैं हूँ राजा मिश्रा। और मैं हूँ रंजीत। तो आज आगे हैं सुखदेव क्लर्क्स गया, आज ओपनिंग जो ग्रैंड ओपनिंग होने वाले थे 13 मार्च को, और स्टूडेंट गया जो फ्लाइट स्टूडेंट है उसका हो गया। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और लुक उठाते हैं। चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे अद्भुत यहाँ पे शीशा का जो कला किया गया है, शीशा ग्लास का, जो कि आप शीशा ग्लास पे चल रहे हैं, जो कि आप फिलिंग कर पा रहे होंगे और हमारे सामने देख पा रहे होंगे। तो ग्रैंड ओपनिंग 13 मार्च को होना था, जो कि हो चुका है सुखदेव क्लर्क्स, जो कि मानपुर मेहता पेट्रोल पंप के बगल में है। तो अद्भुत है। तो हम आपको विस्तार से आज पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, पहले हम आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से फ्लाई एरोप्लेन का साइड फ्लाई जो है इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, और इस पर भी आप थोड़ा सा अच्छे लग रहा है देखने में, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये विस्तार से हम लोग जानेंगे यहाँ पर अंदर चलकर। तो चलिए आते हैं, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एरोप्लेन रेस्टोरेंट का जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे बिलिंग होती है सर। बिल्कुल, यहाँ बिलिंग होती है। इसका रूल्स वगैरह क्या है यहाँ पे आने के लिए? लोग हमारे फ्लोर हैं वो आ सकें तो किस प्रकार से आ सकेंगे? इसको आने के लिए सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा रिसेप्शन से, जिसका प्राइस है 300 रुपीज पर पर्सन। वो अगर बोर्डिंग पास लेके आप यहाँ पे आते हैं फिर फूड आप कंज्यूम कीजिए, जो बिल होगा उसमें से आपका 300 रुपीज रिडीम हो जाएगा और आपका एंट्री फीस जीरो हो जाएगा। 300 रुपीज नीचे रिसेप्शन में कटवाना पड़ेगा यहाँ पे प्रवेश करने के लिए। जितनी बिलिंग होगी उसमें 300 रुपये माइनस हो जाएगी। वो अद्भुत है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आज ग्रैंड ओपनिंग हुआ है सर। आज जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ है और इसका मतलब कि आज से चालू हो गया ये रेस्टोरेंट? आज से चालू हो गया है। तो किसी समय लोग कितने बजे से कितने बजे? 11 बजे से लेके 11 बजे रात तक आ सकते हैं आप। 11 बजे से 11 बजे रात तक यहाँ पर आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट खुला रहेगा। और यहाँ पे आप क्या क्या फैसिलिटी दिए हैं यहाँ? फैसिलिटी ये मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, जो कि फाइन डाइन के है, फ्लाई डाइन के नाम से है। इसमें आपको लग्जरी के तरह से आपका थाई फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, साउथ इंडियन फूड, हर एक कंट्री की तरफ से हम फूड सर्व करेंगे इसमें। आप देख पा रहे होंगे अंदर कस्टमर लोग से भी हम बात करेंगे कि इस कस्टमर लोग का क्या सुविधा है अंदर, आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एरोप्लेन ग्रैंड ओपनिंग आज 13 मार्च को हो चुके हैं, अद्भुत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ पर सर से बात करते हैं, यहाँ पर आने में आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है। तो दीदी आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, गया में आपको ये चीज मिला है एरोप्लेन रेस्टोरेंट का फीलिंग आपको हो रही है? अद्भुत है। तो हमारे सामने स्टाफ लोग भी हैं यहाँ पर, आप काफी लोग यहाँ पर आज ओपनिंग हुआ है 11 बजे से और लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी लोग यहाँ पर आने लगे हैं। तो आप देख पा रहे हो स्टाफ लोग भी हैं यहाँ पर, इनका जितना ये है जस्ट लाइक एरोप्लेन में जिस प्रकार से लोग रहते हैं उसी अनुसार यहाँ पे स्टाफ को रखा गया है। और आप देख पा रहे होंगे, आप पीछे आइए। हेलो हेलो, ऊपर का भी कला दिखा रही है। ये जो है अद्भुत जो है एरोप्लेन रेस्टोरेंट को बनाया गया था दोस्तों, पहले मैंने आपको दिखाया था जो कि एरोप्लेन रेस्टोरेंट तैयार नहीं था, इसमें काम चल रहे थे और इस बार जो है काम जो है पूरा हो चुका है एरोप्लेन रेस्टोरेंट का। प्लेन में देखती हूँ एयर होस्टेज होती हैं, चाहे केबिन क्रू होता है, जस्ट उसी टाइप पे यहाँ पे बनाया गया है। जो मैनेजमेंट यहाँ कर जो किया गया है वो बहुत ज्यादा लाजवाब किया गया है। अब चेयर भी देख रहे हैं तो पूरा स्टेबल यहाँ पे चेयर जो बनाया गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जब फीलिंग जस्ट होने वाली है। और मेरे पीछे तो डेकोरेट भी लाइटिंग भी इसमें किया गया है, बहुत ही गजब का लाइटिंग किया गया है। और इसमें जो केबिन क्रूज होता है, चाहे जो भी मतलब रिसेप्शन काउंटर पे यहाँ पे बनाया गया है, जो 300 रुपया प्राइस रखा गया, अगर इसमें आकर के आप अगर रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं और कुछ खाते हैं तो उसमें से 300 रुपया जो है लेप्स कर दिया जाता है। तो बहुत ही मायने में मतलब एक गया में पहली बार ऐसा जो थिंकिंग यहाँ के जो ऑनर है किए हैं वो मायने में लाजवाब किए हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा गजब तरह का यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, ग्लास बोलिए चाहे सभी यहाँ बोला जाए तो एकदम रॉयल स्टाइल में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ एरोप्लेन रेस्टोरेंट में आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक एरोप्लेन का फीलिंग है, खाना बहुत स्वाद है जी, और हम तो रेगुलर आना कोशिश करेंगे जी। तो ये गया में पहली बार ऐसा हुआ है?
हाँ बिल्कुल पहली बार है। तो क्या आप यहाँ पे आए तो आपको फीलिंग ऐसा लग रहा है कि हम एरोप्लेन में हैं? एकदम बिल्कुल एरोप्लेन वाला फीलिंग जी। बाबू आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बच्चा आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खाना कैसा तुमको लगा? अच्छा। क्या नाम है तुमको? मनु। मनु, तो जैसे देख सकते हैं कि बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा आकर्षित यहाँ पे हैं। मतलब मैम कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है रेस्टोरेंट में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा आपके साथ बिहेवियर कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपको खाना कैसा यहाँ पे लग रहा है? खाना तो बहुत टेस्टी। कहाँ से आप हैं? जहानाबाद से। जब जहानाबाद से, तो क्या पहले यहाँ जो रेस्टोरेंट ओपनिंग हुआ इसके बारे में आपको जानकारी थी? एक्चुअली हम इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे इसका, तो पता था कि 13 तारीख को इसका उद्घाटन है जी, और आज लकी डे के दिन आज हम यहाँ पे आए तो और भी अच्छा लग रहा है जी। पहली बार मुंबई से पटना में आए थे फ्लाइट से, ये सेकंड टाइम फ्लाइट गया में हम तो चढ़े। जस्ट आपको जिससे आप फ्लाइट पे कभी चढ़े हैं तो उस टाइप पे यहाँ पे फीलिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100% फीलिंग्स है। और जो राजगीर का भी ग्लास ब्रिज सिर्फ वीडियो में ही देखे थे, लेकिन रियल का ग्लास ब्रिज जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको ब्रिज से यहाँ जो ग्लास ब्रिज है गुजर के आना पड़ता है, तो वैसा जो फीलिंग होता है राजगीर में उस टाइप का गया में होने वाली है। बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है और यहाँ का जो मैनेजमेंट किया हुआ है बहुत ही शानदार। जो मतलब गया में सारे यहाँ पे आने के लिए सोच रहे होंगे जी, जो लोग यहाँ पे आने के लिए सोच रहे होंगे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हम तो उनसे बिल्कुल अभी बोलेंगे कि आज ही सभी लोग आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आज लकी डे भी है, उद्घाटन है आज रेस्टोरेंट का, और इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, चाहे जो भी यहाँ पे फैमिली आए हैं, बहुत ज्यादा सब यहाँ पे खुश हैं। और आपको बता दी कि इसमें म्यूजिक भी गुनगुनाते हुए मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको फील होती है। सबसे पहले इस तरह का यहाँ पे टिकट आपको मिल जाती है, जो आप एरोप्लेन में बैठने के लिए जाते होंगे उस टाइप का जो आपको टिकट मिलती है उस टाइप का यहाँ पे लेना पड़ता है। तो दो लोग जैसे यहाँ पे हैं और देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस यहाँ पे है 600 रखा गया है, तो कैसा आपको यहाँ पे आकर के लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लोग एंट्री नहीं किए हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे रेस्टोरेंट के बारे में? कैसा आपको देखने में जो यहाँ पे लुक है, किस टाइप का आपको यहाँ पे लग रहा है देखने में? बहुत अच्छा बेहतरीन लग रहा है जी। ऐसा गया में पहली बार हुआ। जी जी बिल्कुल, ऐसा गया में पहली बार हुआ है। खुदरा पता है कि नहीं कि 300 रुपया अगर आपने लिया है टिकट, अगर वहाँ पे खाते हैं ये 300 रुपया आपको महंगी पड़ेगा। यहाँ पे सिस्टम है, अगर आप 300 रुपया को लेकर के टिकट आते हैं, अगर आप 500 रुपया का मानिए मिनिमम भोजन करते हैं तो 300 रुपया आपको उसको में लेफ्ट कर दिया जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अद्भुत तो यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। तो रंजीत भाई बताइए, आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे जो चैनल है श्री इनको गया जी ब्लॉग है और मेरा रंजीत ब्लू ब्लॉग, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बता दें कि आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आपको एयरप्लेन वाला फीलिंग होने वाला है। यहाँ पे ग्लास जो आप देख रहे लगा हुआ, पहले राजगीर में ऐसा सुविधा था, लेकिन गया में जो यहाँ पे रेस्टोरेंट बना है एरोप्लेन रेस्टोरेंट पे, इसको में भी उस टाइप का यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, हम तो बोले कि आज ही यहाँ पे आइए क्योंकि 13 मार्च से यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो सबको बेहद ही पसंद पड़ा। अगर वीडियो पसंद पड़ा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।